प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सत्नमन। हमें इस बात का गौरव है कि हम भारतीय हैं। आज का भारतवर्ष नए रास्ते चल रहा है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति की ऊंचाइयों को पाने का फिर से प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत माता तो केवल एक भूखंड है, इसकी आत्मा है यहाँ के महापुरुष। जैसे प्राचीन काल में जब हमारा देश गुलाम था तो एक से एक महापुरुष पैदा हुए, लेकिन इसका योगदान भारत माता के हर क्षेत्र से आई, खास के बंगाल की वीरभूमि अग्रगण्य रहा। वहाँ एक से एक महान क्रांतिकारी पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस और अनंत असंख्य लोग वहाँ से देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और ये सारे लोग विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता हमारी सत्य, अहिंसा, स्नेह और मानवता के कल्याण के लिए, अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक थी। तो बंगाल का योगदान भूला नहीं जा सकता है। खास के योगी वीरेंद्र योगी के तो तीन महापुरुष बंगाल के हैं, गुरुजी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनसे मैंने सीखा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एकला चलो रे, और ऐसे अनंत असंख्य उनकी कविताओं का मैंने पाठ किया। और सुभाष चंद्र बोस से सीखा कि आज़ादी क्या होती है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसमें मैं शामिल हुआ। और हमने स्वामी विवेकानंद से सीखा कि देवत्व हम में है, केवल उन विचारों को जगाना है और विश्व में फिर से प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति को प्रचलित करना है और भारतीयों का कल्याण के लिए समर्पित होना है। लेकिन आज मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस वीर बंगाल की भूमि में ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिसका नाम है ममता बनर्जी। मनुष्य की छवि होती है उसके विचारों में। नरेंद्र मोदी जी अपने एक साक्षात्कार में एक बात बताए थे कि सारे विरोधियों से भी अच्छे संबंध बना के रखते हैं, और यहाँ तक कि ममता बनर्जी उन्हें बंगाली की मिठाइयाँ रसगुल्ले के रूप में भेजते हैं और कभी कभी उन्हें कुर्ता भी भेजा करते हैं। जब ममता बनर्जी ये बात सुनी तो उन्होंने इतनी भद्दी और इतनी घिरी हुई बात बोली कि नरेंद्र मोदी के लिए मिट्टी की रसगुल्ले और काजू किशमिश के बदले वहाँ के कंकरों और पत्थरों को मिला के उसको भेजेगी। इस ध्वनि में देखिए घृणा कितना है, नफरत कितना है। क्या कोई मनुष्य इतना गिर सकता है? क्या घृणे की कोई सीमा नहीं है इस औरत को? वो सत्ता के लोभ में इतने पागल हो गई है, गुंडों बदमाशों को पाल के रखी है और लोगों को पैरों पर टांग की हत्याएं कर रही है। बड़ी शर्म की बात है कि भारतवर्ष प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र की भी कुछ मर्यादा होती है। इस तरह से हमारे वीर भूमि बंगाल की अवहेलना ममता बनर्जी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं बंगाल के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि बंगाल की भूमि की जो गौरव गरिमा है, जहाँ बिपिन चंद्र पाल, आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी परमहंस, विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, असंख्य अनंत से महावीर और पराक्रमी यशस्वी पुरुष पैदा लिए, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और भारत को आज़ाद देने में, आज़ादी दिलाने में बहुत सारे कुर्बानियां दी। जाग जाइए, ममता बनर्जी को इसका सबक और इसका लेसन मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हो हमारे गुरुजी विवेकानंद और हमारे गौतम सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने कहा था, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व के प्रतिबिंब हैं। अगर ममता बनर्जी इतनी गिरी हुई औरत है कि हमारे भारत के माननीय परम पूज्य प्रगतिशील सब कुछ कुर्बान करने वाला देश के लिए सौगंध, तुझे इस मिट्टी की देश तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, जिसने अपने पड़ोसी देशों को जो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की
उससे लोहा लिया और सभी की मान मर्दना किया, सिंह गर्जना किया और उसके घर में घुस को उसको मारा। सारा हिंदुस्तानी 136 करोड़ परम आदरणीय नरेंद्र दामोदर भाई मोदी के साथ खड़ा है। यही नहीं कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हमको फिर से सुभाष चंद्र बोस चाहिए, हमको फिर से नरेंद्र दत्त चाहिए और नरेंद्र मोदी चाहिए। ये ममता जैसी नाम की ममता और कर्म में विष से भरा एक घड़ा का सर्वनाश होना ही चाहिए। मेरे वीर बंगाल के बहनों और भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि तृणमूल कांग्रेस की जन्मजाता का तृणमूल का सर्वनाश कर डालिए, इसको उखाड़ फेंकिए। ये जहरीली नागिन है, ये सर्प है, बंगाल को भूखा बना के रखा है, बंगाल की जनता को गरीबी में डाल दिया है, बंगाल में आतंकवादियों का एक झुंड खड़ा किया है। ये तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित है। हमें सुभाष चंद्र बोस चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे को भी इतना अपमान किया है, चंद्र बोस को इन्होंने पिटवाया है। जहाँ तहाँ ये आतंकवादी घटनाओं को जन्म दे रही है, आतंकवादियों को संरक्षण दिया है, इसलिए ममता का सर्वनाश अवश्यम भावी है। जागो हमारे बंग भूमि के वीर लोग, जय बंगाल, जय भारतवर्ष, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, सुरज्योत्स्नाम पुलकितयामिनीम फुल्लकुसुमित दुर्मुद्रशोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरभाषिनीम सुखदाम्बरदाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।